नमस्कार, उमा रमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न सीरीज में आज जिस पैटर्न की हम बात करेंगे उसका नाम है राउंडिंग बॉटम। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है। तो जो भी करेंट ट्रेंड होगा मार्केट का जो भी करेंट ट्रेंड होगा वो रिवर्स करेगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेंड चेंज तब होता है जब प्रॉपर एक टाइम जो है वो पास होता है, टाइम कंज्यूम करता है मार्केट, और वहां पे या तो एक्युमुलेशन होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। विदाउट एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट एक नए जोन में नए वैल्यू जोन को नहीं तलाशता है। तो एक प्रॉपर टाइम पीरियड जो है वो बीच में गुजारता है, जिसको हम पैटर्न फॉर्मेशन कहते हैं, वो आपको देखना होगा। और इसी तरह की बहुत सारी चीज, साथ ही साथ हमने दूसरे तरह के चार्ट्स को आज जो है वो एग्जांपल्स के लिए लिया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको वो पूरा डिटेल्स में समझाए। बहुत ही बेसिक सा चीज है, कह सकते हैं जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है उनको लगेगा कि ये बहुत ही बेसिक पैटर्न है। लेकिन पैटर्न बेसिक होता है, सिंपल होता है, पर उसको फॉलो करना, डिसिप्लिन के फॉलो करना और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ फॉलो करना वो ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि आपने पैटर्न फॉलो किया, आप उसके सारे टेक्निकल चीज तो जानते हैं, पर यदि आपने मनी रूल को इग्नोर कर दिया, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पे आपने गलती कर दी, पोजिशन शायद इतनी बढ़ा दी कि आपने प्रीवियस ट्रेड पे जो भी आपको प्रॉफिट हुआ था उससे कहीं ज्यादा आपको नुकसान हो जाए। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो ट्रेडिंग पैटर्न से ज्यादा मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज हम बात करेंगे राउंडिंग बॉटम का, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल कह रहे हैं तो आपको मार्केट में आपको ट्रेंड दिखना चाहिए, तभी वो रिवर्स होता है। कुछ बेसिक चीज है, प्रिंसिपल है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसके फॉर्मेशन को देखेंगे, फिर जो है वो हम इसको एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये कब होगा? ये एक कंसिस्टेंट फॉल होने के बाद जब मार्केट थक जाता है गिरते, तो एक नया लो नहीं बनाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम कम होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस पैटर्न की सबसे खासियत यही होती है कि मार्केट एक नया सिग्निफिकेंट लो जो है वो नहीं बनाएगा, लेकिन आपको वॉल्यूम दिखाई देगा, और वो इतना स्लोली स्मूथली स्मार्ट मनी का प्ले होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पे एक्युमुलेशन होता है। वहां पे आपको पैटर्न फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही बारीकी से आपको देखना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि वॉल्यूम को हम ब्रेकआउट के वक्त देखते हैं, वॉल्यूम ब्रेकआउट के वक्त देते हैं, फॉर्मेशन में नॉर्मली वॉल्यूम कम हो जाता है, जबकि इसमें आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। ये पिकुलरिटी है इस चार्ट पैटर्न की, तो इसको आपको ध्यान में रखना कि यहाँ पे ड्यूरिंग फॉर्मेशन भी आपको हाई वॉल्यूम दिखेगा और आफ्टर ब्रेकआउट भी आपको हाई वॉल्यूम दिखेगा। तो ये सारी चीज जो है वो आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। साथ ही साथ जो मैं बता रहा था कि ये आपको प्रिकर्सर होगा, मतलब बताएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है आपको, क्योंकि वो एक्युमुलेशन, क्योंकि आपको वो दिखाई देगा कि दोनों तरफ से वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है। जब ड्यूरिंग फॉर्मेशन भी आपको वॉल्यूम दिखाई देगा और ब्रेकआउट के बाद भी फॉर्मेशन में आपको दिखाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रेड कैसे करें, ये सब तो बेसिक सा चीज हो गया, फिर ट्रेड कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ एक ही इंस्ट्रूमेंट को, मान लीजिए निफ्टी को कोई ट्रेड कर रहा है, तो सबसे पहले आप अपने पोजीशन जो भी आपका है उसको एग्जिट कीजिए, ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ सोच पाएंगे। उसके बाद चार्ट पैटर्न पे आप जो है वो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए, और आपको ट्रेड नया इनिशिएट तभी करना है जब उसका प्रॉपरली विद क्लोजिंग ब्रेकआउट हो। तो इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू ट्रेंड आपको ब्रेकआउट का ट्रेड लेना है, और फर्दर आपको दूसरा नया ट्रेंड, जैसे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन था, उसके जगह पे आपको अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करना है। तो आइए पैटर्न को हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। देखिए, मार्केट में ये रिवर्सल है तो ये आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा, तो ये तो आपको सिग्निफिकेंट, आप ये जरूर चीज देख लीजिएगा कि आपको 2 से 3 समटाइम 4 आपको
ये आपको एटलीस्ट 3 से 4 स्विंग तो आपको दिखनी चाहिए डाउनवर्ड, तभी आप उसको एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड जो है वो आप बोल सकते हैं। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना होगा, वहां पे आपको ट्रेंड लाइन दिखे। फिर प्राइस जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा आपको, और नीचे में वॉल्यूम भी आपको दिखेगा। नॉर्मली वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन वो तो आपको ये जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। इट मे हैपन कि आपको वो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा दिखाई देगा, और आपको ट्रेंड तब लेना है जब इस प्राइस का क्लोजिंग बेसिस पे आपको ब्रेकआउट आ जाए, और आपको यहाँ पे भी आपको हाई वॉल्यूम एक्टिविटी जो है वो दिखाई देगा, और यहाँ से एक नया डायरेक्शन स्टार्ट होता है, नया बुल रन स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यही है, और ये राउंडिंग इसलिए होता है कि ये बिल्कुल ये राउंड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे यदि आप करेंगे तो वो आपको सर्कल बन जाएगा, तो ये इसलिए जो है वो राउंडिंग कहा जाता है कि वो थोड़ा सा वो आपको एक हाफ सर्कल जैसा जो है वो आपको पैटर्न दिखाई देगा। देखिए एग्जैक्ट ना भी दे, लेकिन आपको वो पता चल जाएगा कि वो आपको है, और इसी को हम सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो एक नए तरह का जो है वो पैटर्न के लिए मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि उसको आप जरूर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप उसको यूज कीजिए, उस तरह के चार्ट को, जिसको मैं आपको आज एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली डाउन है, फिर आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करना है, और आपको ये ब्रेकआउट आएगा तो वो आपको ध्यान में रखना है, ये राउंड जैसा होगा। यही एक पैटर्न है जो आपको ध्यान में रखना है। इसको हमने इनलार्ज किया है, तो आपको ये देखेगा हमने यहाँ पे 3 लाइन ब्रेक यूज किया है। 3 लाइन ब्रेक बहुत ही अच्छा है, नॉइजलेस होता है, और यहाँ पे जब तक 3 कैंडल का हाई टूटेगा नहीं तब तक ये जो है वो आपको नया कैंडल बनेगा नहीं। तो ये जो है वो इसलिए नॉइजलेस कहते हैं क्योंकि आपको इन बिटवीन जो भी होती है ट्रेडिंग एक्टिविटी उस चीज को ये हटा देता है, तो काफी अच्छा होता है। और इसको मैं प्रीफर करता हूँ आप लोगों के साथ भी, मैं हर तरह के एग्जांपल्स को शेयर करता हूँ। देखिए हमने कैंडलस्टिक को भी किया है, लाइन को भी किया है, बार को भी किया है। हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरह के एग्जांपल्स को आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप अपने प्रेफरेंस के आधार पे, अपने प्रोफाइल के आधार पे, और आपको जो सूट करे, जहाँ पे आपको ज्यादा समझ, सभी अच्छे होते हैं, सभी चार्ट अच्छे होते हैं, सबके विनर लूजर आपको दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे नया कैंडल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है इन बिटवीन जो है वो 5 7 कैंडल हो जाए, तो क्या आप इतना वेट कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। कई लोग जो है तो इतने टेम्पटेशन में आ जाते हैं कि उनको कैंडल दिखाई नहीं देती है, तो फिर वो चेंज कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको रखना होगा कि आप एक बार जिसको आप फॉलो कर ले, मैं ये चीज हर बार हर वीडियो में आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं यही चार्ट यूज करूंगा, से सपोज कैंडलस्टिक, तो उसको कैंडलस्टिक को ही यूज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपको ये एक लाइन से ये दिखाई देगा, ये कैंडलस्टिक में जो है वो आपको दिखाई देगा कि वो आपको वहां पे एक डाउन ट्रेंड दिखाई। तो ये एक डाउन ट्रेंड है, और ये बिल्कुल सा इसको हमने थोड़ा सा एनलार्ज किया है, तो आपको जो है जूम किया है तो आपको इसलिए वो ज्यादा दिखाई देगा। साथ ही साथ 3 लाइन ब्रेक का बनावट भी कुछ अलग सा होता है, तो ये आपको मैं कंसोलिडेशन दिखाने के लिए मैं एक्चुअली कर रहा था। तो देख लीजिए कि यहाँ पे ये यहाँ से हायर हाई इन बिटवीन जो है वो बनाना शुरू किया, और जैसे ही एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया और दूसरा ब्रेकआउट यहाँ पे आया, तो प्राइस जो है सो इसने ऊपर जंप कर दिया। तो इस तरह से ये एक ये फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होने से पहले आपको ऐसा ही दिखेगा, तो वो चीज इसलिए हमने इसको काफी ज्यादा इलाज किया ताकि आप समझ पाए, और आपको वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, वो हटा देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसको हमने बहुत ज्यादा इलाज नहीं किया है ताकि आप बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझ पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा था। और ये यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि ये यहाँ पे इसने एक्सट्रीम लो को बनाया। अच्छा दूसरी बात क्या है कि 3 लाइन ब्रेक इसलिए क्योंकि 3 लाइन ब्रेक क्लोजिंग प्राइस को फॉलो करता है, इन बिटवीन हाई लो को वो नहीं करता है। तो लोएस्ट क्लोज आपको दिखेगा, हाईएस्ट क्लोज दिखेगा, वो भी जब 3 कैंडल के हाई को क्रॉस कर जाएगा तब। तो इस वजह से ये नॉइजलेस और भी हो जाता है। तो देख यहाँ पे दिखाई देगा ये पैटर्न जो है वो बहुत ही अच्छा आपको ये राउंडिंग जो है वो आपको दिखाई देगा।
यहाँ पे वो एक्सट्रीम है, और एक बार आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का है। और एक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, और आपको मैं यहाँ पे डाउ थ्योरी दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोएस्ट को बना है, यहाँ पे इसने स्विंग ब्रेक किया है 1 2 3 और ये ब्रेकआउट बार यहाँ पे, तो ये फॉर्मेशन है और आपको यही चीज देखना है। ये बिल्कुल ये आपको राउंड की तरह दिखता है। पिक्चर की क्लैरिटी मुझे इस चार्ट में ज्यादा दिखती है, इस वजह से भी मैं यूज करता हूँ। तो ये आपको ये फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कि ये और इसके बाद क्या हुआ, ये देख लीजिए, ये इसका रिजल्ट है। ये हमने यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का किया था और देयर आफ्टर ये इसका रिजल्ट है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है एक्युमुलेशन के लिए। आपको ये एक्युमुलेशन के लिए जब तक आप टाइम नहीं देंगे, इसलिए आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए अपना पोजिशन, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ब्रेक हो जाएगा। आपको ये क्लोजिंग बेसिस पे, ये क्लोजिंग को ही फॉलो करता है, तो आपको क्लोजिंग बताएगा ही, और आपको अकॉर्डिंगली जो है वो आपको ट्रेड करना है। तो इस तरह से आप यदि पैटर्न के साइकोलॉजी को समझते हुए यदि ट्रेड करेंगे तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगी। तो यही था हमारा आज का चार्ट पैटर्न सीरीज में आपका, हमने राउंडिंग बॉटम को डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एटलीस्ट अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भेजें कि हमें आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, किस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वो सारे वीडियो जल्दी से जल्दी बना करके लाऊं। थैंक यू, नमस्कार।